Stop! Stop! साहब साहब आपका पर्स गिर गया। अरे आ रहा हूँ यार। अरे साहब देखो मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बिल्कुल पहुँच रहा हूँ। साहब आपका पर्स। अरे साहब क्या बात है? साहब इतनी देर से मैं आपको आवाज लगा रही हूँ, आप सुनते ही नहीं हो। आपका पर्स गिर गया था। पर्स? अरे किसका पर्स है ये? मेरा पर्स नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप ही का पर्स है ये। कमाल की बात करती हूँ, अगर मेरा पर्स होता मैं मना करता, भला किसी और का होगा। अरे साहब आप ही का पर्स है ये, मैं इतनी दूर से मैं भाग के आई हूँ आपका पर्स देने के लिए। अरे मुझे मीटिंग में पहुँचना क्यों दिमाग खराब कर रही है, मेरा पर्स नहीं है, मैं चल रहा हूँ। अरे साहब अजीब पागल आदमी है। इतने सारे पैसे? बेटा मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि मैं चाहता हूं तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, इसलिए इन पैसों को किसी अच्छी जगह पर बेटा इन्वेस्ट करना और ये भीख मांगना छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम खूब तरक्की करो, स्वाभिमान के साथ जियो और इन पैसों को किसी अच्छी जगह लगाकर अपने पैरों पर खड़ी हो, इसी में भलाई है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। बात तो सही है, और इतने सारे पैसों से मैं कोई काम भी शुरू कर सकती हूँ, पर मैं करूंगी क्या? ये अच्छा है, चाय का स्टॉल लगा लेती हूँ। मैडम 2 केक पैक करा दीजिए। सर आप? पहचाना नहीं मैं। सर आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं नहीं। पर मैंने आपको पहचान लिया सर, आखिर मैं अपने मददगार को कैसे भूल सकती हूँ। आपको याद है सर, एक बार आपने अपना पर्स गिराया था और उसमें आपने एक लेटर भी छोड़ा था मेरे लिए। उस लेटर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली सर, और उस पर्स में कुछ पैसे भी थे। उन पैसों से मैंने चाय की टपरी शुरू करी, और फिर चाय की टपरी से एक एक पाई जोड़कर मैंने आज ये रेस्टोरेंट खोला, और भगवान की कृपा से मेरा काम अच्छा भी चल रहा है सर, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते ना तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। अच्छा अब पहचान गया आपको मैं, यही बहुत अच्छी बात है। आप उस दिन ये कार्य कर रही थी भीख मांगने का, ये कोई अच्छा काम नहीं था, पर मैं चाहता था कि आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओ। सर एक बात बताइए, आपने उस दिन ऐसा क्यों बोला था कि वो पर्स आपका नहीं है? आखिर तुम मेरी बेटी की तरह ही तो हो, पर एक बाप अपनी बेटी को क्यों चाहेगा कि ऐसा काम करे। मैंने जो करा सिर्फ ये था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको खुददारी के साथ, समझे? इसी में इज्जत होती है। और एक बात और है, मैं यही चाहूंगा तुम भी इसी तरीके से लोगों की मदद करो, समझे? बिल्कुल सर, जैसे आपने मेरी मदद की है वैसे ही मुझसे जितना हो पाएगा मैं लोगों की मदद करूंगी। अच्छा लगता है ये देखकर सर कि आप जैसे लोग आज भी इस दुनिया में, आप जैसे लोगों की मदद से आज हम जैसे लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों ये वीडियो देखी आपने, कैसी लगी आपको? अगर इसी तरह हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच।